साल आ जाएगा, इस साल शुरू भी हो जाएगी और उसकी फिल्म रिलीज भी होगी। लेट्स सी, प्लानिंग है, बहुत जल्द अनाउंसमेंट और शुरुआत की बात होगी। सर, आपने कुछ एडवाइस दिया है उनको कि इस तरह की फिल्म करना चाहिए, इस तरह की? नहीं, कुछ नहीं। उससे हमेशा कहता हूँ कि अपने प्रोड्यूसर का एक्टर बन के रहना, अपने जॉब से सिंसियर रहना, कम करना, अपनी ज़िंदगी जीना और स्पोर्ट्स ज़रूर खेलना। हाई टाइम था, सालों साल पहले करना चाहिए था, क्योंकि एक लेजेंड को हम जिंदा रखते हैं। अब जब भी किसी स्पोर्ट्समैन पे जब मेडल्स मिलते हैं तो हमारे हम खास करके इंडियंस की ये आदत है कि चढ़ते सूरज को हम सलाम बहुत करते हैं। चढ़ा हुआ सूरज जो अभी तक मेरे हिसाब से ढला नहीं है, उसकी भी पूजा करनी बहुत ज़रूरी है। और ये उन लेजेंड्स की हम बात करते हैं जिनकी हम फिल्म के द्वारा हमेशा ज़िंदा रखते हैं, क्योंकि जो विजुअल कनेक्ट होता है इंसान का किसी भी चीज़ से, वो बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग होता है, बल्कि वॉइस मीडियम के वजह से। तो आई एम हैप्पी कि ऐसी फिल्में बन रही है, और यही नहीं कि फिल्में बन रही है, ऑडियंस उसे चला रही है। इसका मतलब वो मार्केट है, वो अप्रिसिएशन है। और अब 1983 वर्ल्ड कप पर बन रहा है, विच विल एनकरेज अ लॉट अदर किड्स टू कम इनटू स्पोर्ट्स। आई थिंक स्टार, सोनी, ESPN, ये स्पोर्ट्स चैनल्स जो है उन्होंने नक्शा बदल दिया है स्पोर्ट का। रिलायंस जैसे कंपनीज आगे आके हैव बीन सपोर्टिंग फुटबॉल, कबड्डी, एक्टर्स लाइक अभिषेक, शाहरुख, यू नो, कमिंग फॉरवर्ड। तो आई थिंक इट्स अ ब्रिलियंट इनिशिएटिव। अगर आपको चांस मिले तो आप किसका एक्टिंग करना चाहेंगे? किसका एक्टिंग? आई थिंक अगर स्पोर्ट्स लेजेंड, बुढ़ापे में स्पोर्ट्स लेजेंड का तो मैं नहीं कर सकता। आहान के लिए होगा तो आहान करेगा। यू नो, देर आर लॉट ऑफ यंग बॉक्सर्स, देर आर लॉट ऑफ यंग रेसलर्स, बॉक्सिंग, हॉकी, रेसलिंग में हमने बहुत सारे मेडल्स जीते हैं। तो आई थिंक डेफिनेटली उनमें से किसी ना किसी का करना चाहेगा वो। सी, माय गॉड फॉर मी वाज सुनील गावस्कर। यू नो, सुनील गावस्कर, क्योंकि टेम्परमेंटली व्हेन इट कम्स टू टेक्निक, आउटस्टैंडिंग। और उस जमाने में क्रिकेट खेलते थे जब हेलमेट था नहीं, गार्ड्स थे नहीं, टिके रहते थे इंडिया को अकेले खड़े होकर। इंस्पायर किया उन्होंने जनरेशन्स को टेक्निकली साउंड बैट्समैन बनने के लिए। तो आई थिंक मेरे इंस्पिरेशन हमेशा फ्रॉम एन इंडियन परस्पेक्टिव आप देखोगे तो हैज़ बीन सुनील गावस्कर, द गॉड ऑफ क्रिकेट। यही कुछ कुछ अच्छी चीज़ें हों। एब्सोल्युटली, अगर एंटरटेनमेंट सेक्टर को, बट आई डोंट वॉन्ट टू बी यू नो, टॉक ओनली अबाउट माई इंडस्ट्री। आई थिंक देर आर लॉट ऑफ इंडस्ट्रीज दैट हैव कम फॉरवर्ड एंड एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स। आई एम श्योर इट्स गोइंग टू बी कंसिडर्ड। आई सी इट एज अ टाइम वेयर अ लॉट ऑफ यू नो, व्हाट यू से, करप्शन इशूज आर बीइंग टेकन अप फॉर द फर्स्ट टाइम एवर। आर वी सीइंग पीपल being implemented, being facing the brickbat for what they've done. So I think it's a great initiative, and things will improve. You know, whenever there's a change, whenever there is, we're looking for a drastic change, you expect a little bit of trouble, but hopefully the budget will be better and easier on businessmen too.